डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की एक नई रिक्रूटमेंट आई है। टीजीटी टीचर्स की यहां वैकेंसियां हैं, कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन तो क्या, एक ईमेल आईडी दी गई है, वहां पे आपको अपनी एप्लीकेशन भर के और भेज देनी है। और अप्लाई करने की अंतिम तिथि की जहां तक बात है वो है 30/9/2020। तो ठीक है, इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन भी आपको सबसे पहले इसी YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। सबसे पहले आप देख लीजिए वैकेंसियों की डिटेल, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की है। अगर आपके काम की इसमें वैकेंसी न हो तो फिर आपको वीडियो आगे न देखना पड़े। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी इंग्लिश की एक पोस्ट है, टीजीटी हिंदी की है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक टीचर की। सैलरी है 23,000 रुपये पर मंथ फिक्स सैलरी है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एक पोस्ट है, 20,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। हॉस्टल वार्डन एक पोस्ट मेल की है और एक फीमेल की है, 21,000 पर मंथ सैलरी इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये है वैकेंसियों की डिटेल। वैकेंसी कहाँ से आ रही है ये और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है ऑफिशियल वेबसाइट dnh.nic.in, दादर एंड नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। जॉब एंड वैकेंसीज का जो सेक्शन है आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ सबसे ऊपर देखिए जॉब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश फॉर दादर एंड नगर हवेली लेटेस्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो ये देखिए सबसे ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। 8/9/2020 पीडीएफ पे डेट डली हुई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30/9/2020। एक वल्ले मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। कहाँ पे है, दादर एंड नगर हवेली में ये स्कूल है, वहां के लिए रिक्रूटमेंट है। वैकेंसियों की डिटेल हम पहले ही देख चुके हैं, बाकी आवेदन आपको कैसे करना है। डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया आर गिवन इन एनेक्सर 1। द विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। Duly signed and scanned along with copies of relevant documents should reach to the office of the Directorate of Education by email, but not later than 30th September 2025 PM. The application received after the due date shall not be accepted. ईमेल के माध्यम से आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। एप्लीकेशन के साथ जितने भी एसेंशियल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो भी आपको उसके साथ ही अटैच करने होंगे और ये ईमेल आईडी है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भेजनी है 30 सितंबर 2020 शाम 5 बजे तक। और इसके बाद दी गई है क्वालिफिकेशन, ये देख लीजिएगा। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, साइंस के लिए क्वालिफिकेशन यहां दी गई है। एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है 35 साल। कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स रेगुलेशन। क्वालिफिकेशन देखिए, 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने कर रखा है एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज की तरफ से कम से कम 50% अंकों के साथ तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है 50% अंकों के साथ तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और कंसर्न और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है ये देख लीजिए। इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और 3 साल आपने इंग्लिश जरूर पढ़ी हो। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी है। टीजीटी एसएसटी के लिए देखिए, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। टीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग एज सेकेंड सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिक्स। टीजीटी साइंस के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। और इसी के साथ साथ बीएड की डिग्री होना भी आवश्यक है, बीएड भी आपने कर रखी हो और सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। सीटेट पेपर 2 जो कि टीजीटी के लिए होता है। और उसी के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं, इतनी प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होनी चाहिए।
इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अपर एज लिमिट 35 साल है। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशन। इनके लिए आपके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री इन स्पोर्ट्स एटलीस्ट 55% मार्क्स एज पर एनसीटीई, या फिर आपने 50% अंकों के साथ बीपीएड कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीपीएड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और बीपीई कोर्स ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एज पर एनसीटीई एंड एमपीएड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसके बाद म्यूजिक टीचर के लिए अपर एज लिमिट है 35 साल। एस सी एस टी कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर्स मास्टर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कंपिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। डिजायरेबल है कंप्यूटर की नॉलेज और 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए म्यूजिक टीचर, तो ये डिजायरेबल में है, एसेंशियल में नहीं है। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए आयु सीमा 18 से 35 साल। एस सी एस टी के लिए अपर एज लिमिट में छूट है, बैचलर्स डिग्री आपके पास हो और उसी के साथ साथ टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की कम से कम 30 वर्ड पर मिनट। किस पे? कंप्यूटर पे। हॉस्टल वार्डन के लिए आयु सीमा है 26 से और 45 साल के बीच में। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन हॉस्टल और एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। तो ये है दोस्तों क्वालिफिकेशन इनकी। बाकी कुछ मेन मेन पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, आप इनको भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट, एलिजिबल और इन एलिजिबल दोनों तरह के कैंडिडेट्स की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट daman.nic.in पे जारी कर दी जाएगी। इंटरव्यू ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सेम विल बी हेल्ड इन द चैम्बर ऑफ सेक्रेटरिएट फोर्ट एरिया मोती दमन ऑन 6 अक्टूबर 2020 फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड। 6 अक्टूबर 2020 प्रातः 10 बजे से आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी की डिटेल्स जो हैं वो आपको daman.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भर के और स्कैन करके मेल कर देना है, सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इसके साथ में अटैच करके। तो ठीक है, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।